हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन में पार्ट 6 बीज बना पौधा पढ़ेंगे। पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे मूली की जड़, यानी मूली की जड़ को भोजन के रूप में हम खाते हैं। आलू का तना, आलू के तने को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है आदि। नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें खाद्य पदार्थ लिखे हुए हैं, उनके आगे उनके वे भाग लिखे हुए हैं जो जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पहला चावल, चावल के बीज, बीज को हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। दूसरा सेब, सेब के फल को खाते हैं। तीसरा गाजर, गाजर की जड़ को भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। चौथा बाजरा, बाजरे के बीज को हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। पांचवा प्याज, प्याज की जड़ को हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं, यानी प्याज की जड़ को खाया जाता है। छठा है गन्ना, गन्ने के तने को भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है, तने को खाया जाता है। सातवां है मटर, मटर के बीज को भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। नए पौधे का बनना, बरसात में कुछ पौधे जैसे नीम, तुलसी आदि नए नए छोटे छोटे पौधे अपने आप उग जाते हैं। नीचे चने का पौधा दिखाया गया है, चने का अंकुरण का चित्र दिखाया गया है। चने को भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध देते हैं तो दूसरे दिन चने के अंदर से सफ़ेद धागे जैसी रचना निकलती है जिसे जड़ कहते हैं। इसी से पौधा बनता है। बीज का अंकुरण, जब बीज को मिट्टी, नमी, हवा तथा गर्माहट मिलती है तो वह अंकुरित हो जाता है और शिशु पौधे को जन्म देता है। इसी क्रिया को बीज का अंकुरण कहते हैं। बीज के अंकुरण के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा, नमी, सूर्य की रोशनी तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो सबसे पहले एक संरचना निकलती है जिसे मूलांकुर कहते हैं। यही मूलांकुर बाद में जड़ बनता है। उसके बाद एक ऊपर की तरफ पत्तीनुमा संरचना निकलती है जिसे प्रांकुर कहते हैं। इस प्रांकुर से पौधे का तना बनता है जिस पर डालियां तथा पत्तियां, फल, फूल आदि लगते हैं। बिना बीज के उगते पौधे, आपने आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। नीचे दो चित्र दिए गए हैं जिसमें एक चित्र आलू का है और दूसरा है पत्थर चट्टा का। आलू के चित्र में उसमें अंकुरण दिखाया गया है और पत्थर चट्टा की पत्ती में भी वह अंकुरित हो जाता है पत्ती, और उस पत्ती को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। मनी प्लांट के पौधों की कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। इसी प्रकार गुलाब की कलिका युक्त टहनी को भी मिट्टी में दबाने पर गुलाब का नया पौधा बन जाता है जिसे कलम लगाना कहते हैं। नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें एक तरफ पौधों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पौधे का भाग जिससे वह बनता है या अंकुरित
होता है। पहला, आलू। आलू को तने द्वारा उगाया जाता है, यानी वो तने द्वारा अंकुरित होता है। मनी प्लांट, मनी प्लांट का भी तना, तने द्वारा वह उगता है। पुदीना, पुदीना की जड़, पुदीना की जड़ को उगाया जाता है। गुलाब, गुलाब का तना, तने को हम मिट्टी में लगाने पर वह नया पौधा बनता है। चमेली, चमेली के पौधे के तने को मिट्टी में दबाने पर वह नया पौधा बन जाता है। अगला है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा को पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। प्रकीर्णन, बीजों का तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपक कर जानवरों के शरीर से चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इसे बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की विधियाँ, पहला, हवा द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी संरचना वाले होते हैं, वह हवा द्वारा उड़कर दूर तक फैल जाते हैं, जैसे डंडेलियन, आक, ऑर्किड्स आदि। दूसरा, जल द्वारा प्रकीर्णन। इस तरह का प्रकीर्णन कुछ जलीय पौधों में होता है और कुछ में जो एक जलीय निकाय के पास बढ़ता है, जैसे समुद्र, तालाब आदि के पास बढ़ने वाले पौधे, जैसे वाटर लिली के बीज तैरते हैं और इस तरह पानी द्वारा दूर तक फैल जाते हैं। नारियल के बीज का आवरण स्पंजी और तंतुमय होता है ताकि पानी में आसानी से प्लवन कर सके। तीसरा, जानवरों द्वारा प्रकीर्णन। कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूर दूर तक फैल जाते हैं, जैसे जैंथियम, यूरेना आदि। चौथा, फटने से फैलाव। कुछ पादपों के फल झटके के साथ फटते हैं और बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे अरंडी, बॉल्सम आदि। इसी प्रकार पक्षियों के चोंच में चिपक कर भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। वे किसी पौधे पर जाते हैं और वहाँ से बीज चुगते हैं और चुग कर जब दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी चोंच के साथ वे बीज को भी ले जाते हैं। मनुष्य के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। मनुष्य जब कोई फल खाता है तो उसके बीज इधर उधर फेंक देता है, तो उससे भी बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। अब हम बीजों के अंकुरण और प्रकीर्णन के बारे में इस वीडियो द्वारा समझेंगे। मेरे उठने का समय हो गया। ओ, हाय बच्चे, मैं बीज हूँ। एक अद्भुत चीज, तुम कैसे हो? अब बस मेरे चौंकने का समय हो गया है। जब एक बीज चौंकता है और उगता है, उस क्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन, ये एक आकर्षक शब्द है, ठीक उसी पेड़ की तरह जो मैं बड़ा होकर बन जाऊंगा। पर पहली चीज पहले, मुझे अपनी अलार्म घड़ी को चेक करना है। एक बीज को जागने के लिए कुछ स्थितियों का होना जरूरी है। मुझे सही नमी चाहिए, सही तापमान चाहिए, संतुलित पोषक तत्व चाहिए और सही मात्रा में सूरज की रोशनी चाहिए। मैं बहुत ही नखरे वाला हूँ। अगर सभी स्थितियाँ नहीं होंगी तो मैं जर्मिनेट होने से इनकार कर दूंगा। आज मेरी दोस्त उगने के लिए बहुत अच्छा दिन है। नजदीक से देखो, मैं देखने में बहुत साधारण लगता हूँ, पर मेरे अंदर बहुत कुछ है। एक सीड कोट मुझे सुरक्षित रखने के लिए, एक भोजन संग्रह जिसे मैं तब तक खा सकूँ जब तक मैं अपना भोजन बनाने लायक बड़ा नहीं हो जाता, वो उसे कॉटलेडन कहते हैं,
एक शिशु पेड़ एम्ब्रियो मेरे अंदर ये सब है। अब बस समय हो गया है, लो खुद को थामे रखो। मेरी जड़ निकल आई, ओह कितनी अद्भुत है। और ये मेरी शूट है, मेरी कोमल हरी पत्तियों को तो देखो। ये कितना अच्छा है ना कि मैं जर्मिनेट हुआ, और जल्दी ही कुछ सालों बाद अब मैं एक बड़ा पेड़ बन रहा हूँ। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे पास खुद के फूल और फल हैं, और हाँ मेरे खुद के बीज भी हैं। मेरा राज्य बढ़ाने के लिए ये बीज बहुत दूर दूर तक जाएंगे। तुम पूछोगे कि बीज कैसे यात्रा कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हम बीज बहुत नखरे वाले होते हैं। हम तभी जर्मिनेट होते हैं जब सभी स्थितियाँ ठीक होती हैं। सूरज की रोशनी, नमी, पोषक तत्व और तापमान। अब मुझे बताओ कि अगर मेरी सभी बीज मेरे पास ही रहेंगे तो क्या उन्हें जरूरी पोषण और सूरज की रोशनी मिल पाएगी? बिल्कुल सही, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो सभी यहाँ पर बढ़ सके। मैं उन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी रोक रहा हूँ और जमीन से उनका भोजन भी शेयर करता हूँ। उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उन्हें अपने सूटकेस पैक करके एक यात्रा पर निकलना पड़ेगा। बीजों के इस मूवमेंट को डिस्पर्सल कहते हैं। तुम पूछोगे कि बीजों की ये यात्रा कौन कराता है? वेल, यहाँ बहुत से दोस्त हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। जैसे हवा इन दोस्तों में से एक है। ये हमें आसपास ले जाती है। ज्यादातर हेलीकॉप्टर बीज या बीज जिनके पर होते हैं वो अपने पंखों पर सवार होकर यात्रा कर जाते हैं। पशु भी हमारी मदद करते हैं। कभी कभी पशु एक फल खाते हैं और उनमें से बीज बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं, जो सभी उगने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बीजों के पास हुक होते हैं और वो पशुओं के ऊपर सीधी सवारी करते हैं। अरे हाँ, पानी भी तो यात्रा करने का बड़ा तरीका है। नारियल के जैसे फलों के लिए किसी बोट की जरूरत नहीं होती। हम तो दूर द्वीपों तक तैर के जाते हैं। तो हवा, पानी और पशुओं जैसे दोस्त हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें बढ़िया पेड़ों के रूप में उग सकते हैं और सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। काफी मजे वाली जिंदगी है ना हमारी। कैसे हम छोटे से बीज से इतने बड़े फल जाते हैं, है ना? विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों और जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीचे सारणी दी गई है जिनमें पौधों के नाम तथा उनके दूसरी तरफ उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं जहां से यह पौधा लाया गया है। पहला चाय, चाय को चीन से लाया गया है। दूसरा कॉफ़ी, कॉफ़ी अफ्रीका से लाई गई है। तीसरा भिंडी, भिंडी भी अफ्रीका से लाई गई है। चौथा गोभी, गोभी यूरोप से लाई गई है। पांचवा मटर, मटर को भी यूरोप से लाया गया है। और कुछ अन्य पौधे हैं जिन्हें विदेशों से लाए गए हैं, जैसे भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेटाना का पौधा लाकर कलकत्ता के शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेजी अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं।
भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। इस प्रकार यूकेलिप्टस, लेटाना और गाजर घास भी विदेशी पौधे हैं। गृह कार्य, नीचे गृह कार्य के दो प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखे हुए हैं, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? उत्तर, बीजों का तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपक कर जानवरों के शरीर से चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। दूसरा, ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पत्थरचट्टा। पत्थरचट्टा को पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। इन दोनों गृह कार्य के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं।